हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अनस्टैक सॉल्यूशन में। सो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सेल में जो आप एंट्रीज करते हो या जो आप लिखते हो वो डुप्लीकेट वैल्यूज जो आपका एक्सेल में आ जाता है वो डुप्लीकेट वैल्यूज को कैसे डिलीट करें। आज के वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि डुप्लीकेट वैल्यूज को हम लोग डिलीट कैसे कर सकते हैं एक्सेल में। पूरा वीडियो देखिएगा। अभी मैं अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ कि डुप्लीकेट वैल्यूज जो है वो हम लोग कैसे पता करें और कैसे डिलीट कर दे आसानी से। डुप्लीकेट वैल्यूज डिलीट करने के लिए, जैसे कि मैंने अपने एक्सेल में ले लिया एक सिंपल सा फॉर्मेट या सिंपल सा एंट्रीज ले लिया है, कंपनी नेम ले लिया है मैंने, इधर मैंने ये सब कंपनी नेम ले लिया है, नॉर्मली मैंने इधर कंपनी नेम ले लिया है और उसके बाद इधर साइड में मोबाइल नंबर 1 मोबाइल नंबर 2 तो कंपनी नेम और इसका 2 मोबाइल नंबर ले लिया है और इसमें कुछ कुछ मैचिंग मैचिंग है, कुछ कुछ सेम सेम मैंने एक ही एंट्री दूसरी बार कर लिया, तो उसको कैसा पता करें? तो ऐसे पता कर सकते हैं हम लोग, ऐसे आप पता कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत टाइम जाएगा। उसके लिए हम लोग डायरेक्ट एक यूज़ करेंगे डेटा टैब में, आपको इधर दिया रहेगा रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन। तो ये रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन कैसे यूज़ करेंगे वो आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं विजय कलेक्शन फिरोजाबाद, ये जो है विजय कलेक्शन फिरोजाबाद वो वापस रिपीट कर रहा है इधर, विजय कलेक्शन फिरोजाबाद, ये जो विजय कलेक्शन फिरोजाबाद है वो वापस इधर रिपीट कर रहा है 12 नंबर में। तो और इसका फ़ोन नंबर भी रिपीट कर रहा है 9720972003220। सो ये फ़ोन नंबर भी रिपीट कर रहा है। सो इसको हम लोग कैसे रिमूव करें? सो इसको रिमूव करने के लिए हम लोगों को कुछ नहीं, जितना भी इधर डुप्लीकेट वैल्यूज़ है बहुत सारा इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ है, तो उसको रिमूव करने के लिए पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि कौन कौन सा डुप्लीकेट वैल्यूज़ है। तो मैं इसको पूरा सिलेक्ट करता हूँ, तो ये मैं पूरा सिलेक्ट करता हूँ और ये मैं पूरा सिलेक्ट कर देता हूँ। पूरा सिलेक्ट करने के बाद मैं जाता हूँ अपने होम टैब पर। मैं जाने के बाद इधर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद हाईलाइट सेल्स रूल्स में जाता हूँ और इधर डुप्लीकेट वैल्यू जो है उसको मैं कलर कर लेता हूँ ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन सा डुप्लीकेट वैल्यूज़ है। तो मैं इसको नॉर्मली रेड कलर दे देता हूँ और ओके करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ कौन सा है, ये जो है ये एंट्री ये रिपीटेड नहीं है, ये रिपीटेड नहीं है, बट ये सब जो है ये रिपीटेड है। मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ लेकिन आपको बताने के लिए मैं क्या हूँ अभी के यूपी विजय कलेक्शन, ये डुप्लीकेट है इसका, मीन्स ये रिपीटेड है इसमें, तो देख सकते हैं किधर है, ये इधर है। फिर आपका के यूपी उज्ज्वला, ये भी रिपीटेड है, देख सकते हैं इधर रिपीटेड है। तो जो जो रिपीटेड होगा उसको ये हाईलाइट कर देगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। फिर मैं कंट्रोल प्लस ऐड कर देता हूँ, पहले जैसा हो जाता हूँ। फिर मैं आपको बताता हूँ कि डुप्लीकेट वैल्यूज कैसे डिलीट करें। तो मैं इसको पूरा सिलेक्ट करता हूँ, डाटा में जाता हूँ, डाटा में जाने के बाद इधर जो रिमूव डुप्लीकेट है उसको मैं क्लिक करता हूँ और कॉलम ए कॉलम बी कॉलम सी, मीन्स ये ए कॉलम हम लोग को अगर ओनली आपको ये कंपनी नेम से डुप्लीकेट निकालना है, फ़ोन नंबर का डुप्लीकेट नहीं निकालना है, तो आप इसको अनसिलेक्ट कर देंगे। अगर आपको फ़ोन नंबर का भी डुप्लीकेट रिमूव करना है और कंपनी नेम का भी डुप्लीकेट रिमूव करना है तो आपको तीनों सिलेक्ट करना पड़ेगा। तीनों सिलेक्ट करने के बाद नॉर्मली मैं ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद इधर मेरे को बता रहा है कि 4 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव 9 यूनिक वैल्यूज रिमेन। सो इसमें मेरे को बता रहा है कि 4 डुप्लीकेट वैल्यूज इसमें अभी रिमूव कर दिए गए हैं, 13 एंट्री था, 13 एंट्री में मेरा 9 ही एंट्री बचा क्योंकि इसमें 4 डुप्लीकेट वैल्यूज है, मीन्स 4 वो सेम वैल्यूज थे। तो मैं इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद इधर मेरा जो एंट्री है वो करेक्टली आ गया है। अभी आप इसमें देख सकते हैं कुछ भी रिपीटेड नहीं है और कुछ भी जो कंपनी नेम है वो रिपीटेड नहीं है और या मोबाइल नंबर भी रिपीटेड नहीं है। तो इसी तरह आप डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव कर सकते अपने एक्सेल से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो आज का वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।